हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिना चाशनी के एकदम सॉफ्ट दानेदार सूजी और बेसन के लड्डू। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगी, ठीक है। कोई ग्राम फ्राम कुछ नहीं। तो एक वाटी सेट कर लीजिए, कोई भी एक छोटा बाउल। और उसमें मैं सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दी हूँ। घी गर्म हो जाने के बाद 1 कप सूजी डाल देंगे। बारीक वाला ही डालना है। मोटा वाला होगा तो मिक्सी में चला लेना और लो फ्लेम में इसे 7-8 मिनट ऐसे सेकेंगे, मतलब भुनेंगे। थोड़ा लाइट कलर इसे हो जाएगा, भुन भुन के इसका हो जाएगा लाइट कलर सूजी का, तो इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह का होना चाहिए, सूजी तो जल्दी हो जाता है, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन लो फ्लेम में ही करना, वरना हाई फ्लेम में कर दोगे तो डार्क हो जाएगा। तो सारा अभी हम इसे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह का क्रीम कलर जैसा हुआ ना, तो मस्त अच्छे से भुन चुका है, निकाल ली हूँ दूसरे प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में मैं 1/4 कप, मतलब आधा कप के करीब मैं ये ली हूँ घी, लेकिन सब एक साथ नहीं डालूंगे। पहले 4 चम्मच घी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। और उसी बाउल में ये बेसन ली हूँ, पतला वाला हो या जाड़ा वाला हो, कैसे भी आपके पास जो घर पे बेसन रहता है वो एक बाउल डाल देना। कप में ले रहे हो तो कप में डालना, ठीक है, लेकिन एक साइज का नाप कर ले लेना उसी में सब, ठीक है। तो भुन भुन कर देखिए, अभी थोड़ा सूखा जैसा लग रहा है, लेकिन ये पूरा भुन जाएगा ना तो एकदम लिक्विड जैसा हो जाएगा। तो और मैं एक्स्ट्रा 2 चम्मच घी डाल दी हूँ। अभी देखिए भुनते भुनते पिघलने जैसे लगा है ना, तो ऐसे मतलब पहले एकदम डर नहीं जाना कि सूखा है और ढेर सारा एक साथ डाल दोगे। तो यही खासियत है कि जब हम बेसन को भुनते हैं, भुनाई के टाइम एकदम पेशेंस रख कर उसे 20-25 मिनट, मतलब 20-22 मिनट ऐसा लगेगा, लो फ्लेम में ही इसे भुनते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अगर ऐसे हाई फ्लेम कर दोगे तो ब्राउन हो जाएगा और कड़वा लगेगा, इसलिए इसका रंग बरकरार रहेगा। और एकदम लो फ्लेम में इसे धीरे धीरे भुनाई करते रहेंगे, एकदम जैसे लिक्विड टाइप का हो रहा है ना, तो समझ जाने का भुनाई एकदम परफेक्ट हुआ है बेसन का। देखिए जैसे ऐसे आप फ्लैट करते जाओगे ना, मतलब ऐसे, तो पूरा अच्छी तरह से दानेदार जैसा एकदम पूरा भुन कर रेडी है बेसन। अब गैस का फ्लेम मैं बंद कर दी हूँ, और जो हमने सूजी रखा था और 1 चम्मच मेरा घी बच गया है, और जो पहले हम सूजी फ्राई करके भुन कर रखे थे ना, वो सारा इसमें इसी कढ़ाई में मैं डाल दूँगी। थोड़ा गुनगुना रहेगा तो सब उसी प्रोसेस, मतलब इसी में ही प्रोसेस अभी करूँगी। तो देखिए ठंडा होने के बाद फिर बंधेगा नहीं ना, तो इसी में 2 चम्मच हम पिसी हुई शक्कर डाल देंगे, तो थोड़ा लिक्विड जैसा होगा। और पानी का छींटा मार देंगे, 2 चम्मच पानी का छींटा मार सकते हो, ताकि सूजी थोड़ा फूल जाए, तो मस्त बंधता है। और इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी 2 चम्मच पानी डालना तो थोड़ा फूल जाएगा सूजी। और 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर डालना। मैं ये मिश्री को पीस कर 1 कप मिश्री, ठीक है, 1 कप मिश्री को पीस कर रख ली थी, तो बहुत ही सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। पीटी शक्कर जो बोलते हो ना, नहीं तो आपके पास नहीं होगा तो नॉर्मल शक्कर को भी पीस कर ले सकते हो। मेरे पास मिश्री था, जो छोटे छोटे प्रसाद के लिए हम चढ़ाते हैं ना, वो मिश्री को मैंने पीस लिया था। तो अब देखिए पूरा मिला ली हूँ, गरम में पूरा लिक्विड जैसा हो जाएगा, थोड़ा ऐसे 5 मिनट रखने का। फिर अभी मैं इलायची पाउडर भी डाल दी हूँ, थोड़ा लिक्विड जैसा हो गया तो मैं हाथों से उसको मेल्ट कर ली हूँ, मतलब हाथों से उसको मिक्स कर ली हूँ। मेल्ट हो जाने के बाद मुझे 2 चम्मच ही पानी लगा है, ये मैं बता रही हूँ, एकदम गर्म पानी करके रखना। 2 चम्मच पानी का छींटा मार दोगे तो एकदम दानेदार हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर पानी की ज़रूरत भी नहीं होगा ज़्यादा, अगर घी यूज़ किए होंगे तो, बस थोड़ा गर्म गर्म शक्कर डाल दोगे तो मेल्ट हो जाएगा। और फिर बाद में थोड़ा ठंडा होने के बाद सारा शक्कर, हाथ 1 कप शक्कर डाल सकते हो, पीसी हुई शक्कर, नहीं तो खांड, ठीक है, उसी को बोलते हैं, मिश्री को जब पीस देते हैं तो उसको खांड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखिए पूरा ऐसे पूरा बंधने के टाइप में हो रहा है, तो हाथों में इस तरह हाथों से 1 चम्मच से भी आप सेट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा लेकर एकदम ऐसे घी लगा लगा कर, इसलिए 1 चम्मच में बचा कर रखी थी, जितना मतलब घी जो आधा कप घी लगा था हमें, आधा कप से 1-2 चम्मच बच गया था, इसमें लास्ट में ऐसे हाथों में लगा लगा कर और लड्डू बनाते जाएंगे, ताकि साइन भी लड्डू का आएगा और अच्छा रहेगा। और ये लड्डू आप इस तरह से बनाओगे ना तो बाद में फ्लैट नहीं होगा, और थोड़ी देर के बाद एकदम टाइट हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से बनेगा, जैसे मार्केट से आप लेकर आते हो। मैं जब पहले लड्डू लेकर आई थी तो पूरा उसका खोखा जो बच गया था, मतलब था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फेंकी नहीं, और इसी में ऐसा लड्डू बना बना कर सब रख रही हूँ,
बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और फ्रिज में आराम से रह भी जाता है। ठीक है, तो इस तरह मैं सारा मतलब लड्डू ऐसे बना रही हूँ, थोड़े थोड़े नींबू साइज के लेकर ऐसे गोल गोल कर रही हूँ। तीनों उंगली में ऐसे ही कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो सेप बराबर हो जाता है, कोई फटेगा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरह से होता है, ना ही फ्लैट होता है। और इसके ऊपर डेकोरेट के लिए एक एक आप जो पहले से ड्राई फ्रूट्स भून कर रखोगे इसी में मिक्स करके लड्डू बना सकते हो। मैं ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स इस बार नहीं डाली हूँ, थोड़ा ही एक चम्मच ही डाली हूँ। ये अपने आप में इतनी स्वादिष्ट है कि मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बहुत ही स्वादिष्ट है, आप बना कर ट्राई करके देखना ये लड्डू। तो देखिए ऐसे हाथों से मुट्ठी से दबा दबा कर पूरा ऐसे रखते जाएंगे। मैं सारा ऐसे सब बना ली हूँ, अब थोड़ा और बचा है। देखिए ठंडा हो जाता है, इसको जब गर्म रहता है ना गुनगुना, तो फटाफट बनाते जाने का, नहीं तो बंधेगा नहीं फिर। ठीक है, फिर इस तरह सारा अभी मैं पूरा बना ली हूँ। एक एक पिस्ता या बादाम हो, कोई भी ये ड्राई फ्रूट्स के कतरन हो, उसको आप ऐसे गार्निशिंग के लिए ऊपर ऐसे रख सकते हो, तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह सारा मैं बना ली हूँ और थोड़ा एक थोड़ा सा बचा है, इसको ऐसे भी आप खा सकते हो और इसका छोटा सा लड्डू भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह सारा मैं अभी बना ली हूँ। देखिए पूरा ऐसे मुट्ठी करते हैं तो मुट्ठी में बंधना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए ये, तो आपका एकदम मतलब कुछ मिस्टेक नहीं होगा, कुछ नहीं, पूरा अच्छे से बंधेगा, एकदम टाइट टाइट ऐसा दबा दबा के करना है। लेकिन जब गुनगुना रहेगा तभी करते जाने का, एकदम ठंडा हो जाएगा तो करोगे तो नहीं बंधेगा, बिल्कुल नहीं बंधेगा। ठीक है, और गर्म में ही ऐसे दो चम्मच शक्कर डाल देना, और फिर नहीं तो आपका अगर कढ़ाई तुरंत ठंडा हो जाएगा तो ऑन करके लो फ्लेम में दो चम्मच शक्कर डाल देना और इलायची पाउडर डालकर इस तरह मिक्स कर लेना। अगर ड्राई फ्रूट्स भी इस तरह ग्रेट करके रखते हो तो ड्राई फ्रूट्स को भी एक चम्मच घी में फ्राई करके उसमें डाल देना, पूरा मिक्स करके बनाते जाना। बहुत ईजी है, बहुत स्वादिष्ट है, सब लड्डू में से ये लड्डू मुझे इतना स्वादिष्ट लगा आप पूछो मत, बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम दानेदार, ना टूटेंगे ना कुछ, एकदम परफेक्ट, मार्केट से भी डबल ये बना है। तो आप इस तरह से बनाइए, और अगर आप रखना चाहते हो तो ये तो बहुत देर तक रहेगा, कुछ ख़राब होने की चीज बात नहीं है, क्योंकि दूध भी नहीं डाले हैं, कुछ नहीं, सिर्फ सूजी, घी और ये बेसन और दो चम्मच बस ये पानी लगा है, और हमें घी 6 चम्मच, पहले 4 चम्मच, पहले 2 चम्मच, फिर 4 चम्मच, फिर 2 चम्मच डाली हो, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चम्मच मुझे छोटे चम्मच में घी लगा है। तो कम घी में इतना स्वादिष्ट बनकर रेडी होता है ये बेसन और सूजी का लड्डू, आप बना कर देखिए, बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, बहुत अच्छा बना था, आप एक बार ट्राई करना, थोड़ा मतलब कम वाटी में, छोटे से वाटी में पहले ट्राई करना, जब अच्छा लगेगा आपको, परफेक्ट बनाना आ जाएगा, तो बड़े वाटी में या एक बड़ा कप में ले सकते हो, फिर बड़े स्टील के चम्मच में उतना ही घी डाल देना, परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, गरम गरम में लेकिन थोड़ा करना, ठंडा रहेगा तो पूरा मिक्स कर दोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आप बनाइए इस गणपति चतुर्थी में, गणेश चतुर्थी में बनाइए, या कोई भी फेस्टिवल में ही आप बना कर खा सकते हो, बहुत स्वादिष्ट लगती है। बेसन का भोग भी लगा सकते हो, बेसन और सूजी फास्ट में भी ये खा सकते हो, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। और इस तरह छोटा सा जो बच गया था ये भी मैं बना कर रख दी हूँ, इसे ही तोड़ूंगी, क्योंकि बाकी सब मैं रखूँगी मतलब फास्ट में, या जो फेस्टिवल आएगा उसमें मैं ये भोग लगाऊंगी, इसलिए अभी फ़िलहाल मैं ये छोटे वाले को ही तोड़कर बताऊंगी। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा मैं नहीं डाली हूँ, ये अपने आप में ही इतनी स्वादिष्ट है, मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, एक चम्मच बस डाली थी, और ऊपर से थोड़ा ऐसे गार्निशिंग कर दूंगी, मतलब रख दूंगी। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल कुक विद मिसेस साहू को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। लाइक करोगे तो हमारा हौसला बढ़ता है, और क्या, और कुछ नहीं उसमें। ठीक है, तो आपका अगर मन होगा तो ऐसे बनाइए, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड लोग को, आपसे अच्छा ये बनेगा लड्डू तो अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कर देना। बहुत इजी तरीके से एक ही बाउल में सेट करके ये बनाइए, परफेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर दोबारा मिलते हैं, फिर मैं मोदक बनाऊँगी और दूसरा, तो आपको और अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो वो भी मैं बताऊँगी, मतलब फिर दूसरा बना कर बताऊँगी कि मोदक कैसे बनता है चावल से। ठीक है, और इस बार तो ये बेसन के लड्डू एकदम परफेक्ट बने हैं, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बाय।